हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 2 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0.0 एंड 36.15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ तक है। हम लोग को पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, फिर आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में सेक्शन नंबर 7.2 का फिगर दिया हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया आप लोगों के लिए वैसे, ठीक है, दिया हुआ। उसको उसके दो बीच के टाउन का हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। टाउन ए और टाउन बी के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका और इसका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए हम लोग कर देते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या है, कुछ 0.0 और क्या है, और हम लोग को 36.15 है, यही है, ठीक है। यह है पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं, चलिए पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है, दो पॉइंट ले लेते हैं, क्यू पॉइंट 36.15 और पी पॉइंट ले लेते हैं 0.0। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, लगा देंगे डिस्टेंस का, पी क्यू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, किसका, हम लोग का एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, एक्स टू की जगह में कितना है, एक्स टू में 36 माइनस एक्स वन की जगह 0 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई टू के प्लेस में कितना है 15 माइनस वाई वन कितना दिया 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा 36, ठीक है, क्या बचेगा 36 ना, तो हम लोग जानते हैं 36 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1296, ठीक है, 1296 1296, ठीक है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का, 225 225, तो ये कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मैं आपके लिए लिखता हूँ, 36 का स्क्वायर होता है कितना 1296, ठीक है। और 15 का कितना होता है 225, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट हम लोग का कितना आ जाएगा 1521, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना आएगा। देखिए 6 में 1 ऐड करेंगे तो 11 का 1 9 और 1 10 2 कितना हो जाएगा 12 का 2 1 2 2 4 और 1 5 और ये 1, ठीक है। आप लोग जोड़ सकते हैं, आप लोग जानेंगे इसको जोड़ने, ठीक है। चलिए आप देखिए, हम लोग का जो ये किसका स्क्वायर है, ये हम लोग का है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधे लिख देते हैं, ठीक है। कितना का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 39 का ही स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम लोग का ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ए और बी का डिस्टेंस कितना है, हम लोग सॉरी पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है 39, ठीक है, ये स्क्वायर रूट किसका 39 का, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग को सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो टाउन के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में सेक्शन नंबर दिया हुआ 7.2, ठीक है, दो टाउन है, ठीक है स्टूडेंट, टाउन ए और टाउन बी, ठीक है, टाउन ये है और ये टाउन बी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम लोग को पोजिशन दे दिया 4.0 और बी का पोजिशन दिया है 6.0, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, टाउन ले लेते हैं, ठीक है, दो टाउन है, ए बी, ए ए कितना दिया हम लोग को 4.0 और बी कितना दिया है 6.0, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग को इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है दो टाउन, तो हम लोग का एक्स वन कितना हो जाएगा 4, एक्स टू कितना हो जाएगा 6, वाई वन कितना हो जाएगा 0 और वाई टू कितना हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग एक्स वन कहते हैं, इसको वाई वन, इसको एक्स टू और इसको वाई टू, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए फॉर्मूला डाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को तो अब तक याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू
माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एक्स टू के प्लेस में कितना है, सिक्स सिक्स लिख देंगे। एक्स वन कितना दिया, फोर, इसका होल स्क्वायर प्लस देखिए वाई टू कितना है, ज़ीरो, माइनस वाई वन कितना है, ज़ीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप करके आप बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ए बी इक्वल टू हम लोग का क्या है, सिक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सिक्स में फोर माइनस कर देंगे तो टू बचेगा, टू का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, फोर प्लस ज़ीरो ये क्या हो जाएगा, फोर। और हम लोग का आंसर कितना जाए, फोर किसका स्क्वायर रूट है, टू का, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।